Por eso, ¿no? अरे सुन रही हो, वो मेरा काला चश्मा कहाँ है? डार्क ग्लासेस मिल नहीं रहा है। सुन रही हो? ओ इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है। शहंशाह बुलाते रहेंगे और मैडम बादशाह सुनती रहे, मैं ही ढूंढता हूँ वो कहाँ गया इनका काला चश्मा। सुन रही हो? ओ बर्पिता कोई और थोड़ा सोचती थी पांडव। ओए पागलों के पाजी, सो रहा हूँ ना मैं। ओ बीरे अंकल का काला चश्मा घूम गया, उठ जरा हेल्प कर ढूंढने में। मैं क्यों मदद करूँ, तू उठाए तू जा, मैं सो रहा हूँ गुंडे। पर अब तो तू उठ गया है ना ब्रो। मैं उठा नहीं हूँ, तूने मुझे उठाया तो तू जा। बस कर रहा था, चला मदद कर रहा था ना, दोगा मिलून शोधा तेंचा चश्मा, चला। नमुगा, ते बिन्ने मंद लेवन, इन्ने कुंडू लिस चल्लियो इले रंडे रहे। जब भी मैं कंफ्यूज होता हूँ आप दोनों लैंग्वेज बदल के मुझे और कंफ्यूज कर देते हो। अंकल जी, अंकल जी, ये कटो तलो कल दो वो काला चश्मा नहीं मिल रहा, बाथरूम में तो नहीं आया। अरे बाथरूम लोग नीले रावट ले दो, इनका कलजोड़ एक दोस्त तो नहीं। मामा अंकल जी के काले चश्मे हो गए, देखा ऑलरेडी कल जोड़ी थे ना, नहीं नोट ले ब्रो, बोतल नहीं उड़को हमें ना नोट देने। सो मुझे मामा क्यों बना रहे आज? अरे छेले दूर तो माथा खराब हो गया थे, एक जन इसे एक प्रश्न करछे पर जन इसे सही एक ही प्रश्न करछे। आपने ये सनग्लास टा कोथाओ देखे छेन? ज्ञान इल्ल कंडिल्ल अंजुम पाती है बड़ा डाइट। एक खून तो उसे चाह खाच चुके करने। पास सनग्लास उसे बड़ा देख लिया। इन्हें आ कन्नाड़ी करने उड़ गया। इन्हें कैंडा कन्नाड़ी। हेलो। ओ, तू मुझे फोन क्यों कर रहा है? मैं तेरे पीछे हूँ। तू मुझे बार बार फोन क्यों करता है? वो अंकल का काला चश्मा नहीं मिल रहा, तूने देखा कहीं? हाँ देखा था, फिर मैंने ये ले। तुम छोड़ो मैं दे दूंगी। अरे भाभी ये लीजिए। अरे यहाँ पहले एक बात क्लियर कीजिए। थैंक यू। काला चश्मा अभी क्यों चाहिए आपको? ये धूप का चश्मा मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि अब मुझे ये चाहिए नहीं। कुछ दिनों घर के बाहर तो जाना नहीं है ना, इधर उधर पड़ा रहेगा तो खो जाएगा तो फिजूल में आप सब लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अब क्यों आप सबको तकलीफ दूंगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फिल्म को बनाने में हम सब में से कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकला। जितने भी कलाकार आपने देखे सब अपने प्रांत अपने शहर अपने घर में थे और वहीं पर शूटिंग की, कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। आप भी घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि तभी आप इस खतरनाक कोरोना बीमारी से सुरक्षित रह पाएंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। इस फिल्म को बनाने के पीछे एक और मकसद है। हमारे देश का फिल्म उद्योग एक है, हम सब एक परिवार है, लेकिन हमारे पीछे एक और बहुत बड़ा परिवार है जो हमारे लिए काम करता है, वो है हमारे वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स जो इस लॉकडाउन की वजह से संकट में है। हम सब ने मिलकर स्पॉन्सर्स और टीवी चैनल के सहयोग से धनराशि इकट्ठा की और इस संकट की घड़ी में ये जो धनराशि है वो हम देश भर के फिल्म उद्योग के वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स को राहत के तौर में देंगे। सो डोंट बी स्केयर्ड, डोंट पैनिक, बी सेफ, दिस टू शैल पास, टल जाएगा ये संकट का समय। धन्यवाद, नमस्कार।